दिवाली पे माल बनने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ती है। दिवाली का इंतजार मत कीजिए, दिवाली बहुत दूर है, लेकिन आपको काम अभी करना है। दिवाली की तैयारी आज से होगी तब जाके दिवाली बनेगी। धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप सभी से मेरा एक अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जो विदेशी प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बेनिफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को मिले। हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाने के लिए हमें इंडियंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखें। अब आपके सामने मैं ये आपको गेट तोरण की एक झलकी दिखा रहा हूँ, ये आने वाला वीडियो यही रहेगा। कुछ वीडियो आएंगे जिनमें हम लोग ये सिखाएंगे गेट तोरण कैसे बनाते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आपको नॉर्मल सीरीज बनाना आती है, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। अगर आपने पूरे वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले आप नॉर्मल सीरीज बनाना सीखिए, उसके बाद आप तोरण बनाना सीखेंगे, क्योंकि तोरण बनाना और सीरीज बनाना बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम लोग डायमंड कैप, मिल्की कैप और मटका कैप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ होल होता है। दोनों तरफ होल होने की वजह से हम लोग क्या है कि इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ से वायर निकालने होते हैं, इसलिए हम लोगों को मटका कैप, ट्री कैप या फिर अपना डायमंड कैप, मिल्की कैप ये यूज़ कर सकते हैं। ट्री कैप में आपको थोड़ा काटना पड़ेगा उसको ऊपर से। तो अभी हम लोग उसका डायग्राम देखते हैं कैसे क्या बनाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक्सरे डायग्राम दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जो वीडियो है थोड़ा फास्ट कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप जानते हैं। अगर आप पुराना सब चीज़ें बनाना जानते हैं तो ये सब आप जानते हैं, ये आपको बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या है कि जब पूरा चीज़ बनाते हैं तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज बनाना पड़ता है हमें, क्या क्या उसमें सामान लगता है, क्या क्या उसमें आपका सर्किट डायग्राम होगा, वो हमें बताना ज़रूरी है। यहाँ पर एसी सप्लाई के लिए जहाँ पर आपका सिल्वर और ब्लैक डायोड का मैच होता है वहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, जहाँ पर सिल्वर सिल्वर मैच होता है वहाँ पर हम लोग प्लस मान लेते हैं, और जहाँ पर ब्लैक ब्लैक मैच होता है वहाँ पर हम लोग माइनस मान लेते हैं। ये रेक्टिफायर का फंडा है। यहाँ पर हम लोग जो कैपेसिटर यूज़ करेंगे उसमें 10 माइक्रोफेरड, 2.2 माइक्रोफेरड, 4.7 माइक्रोफेरड, 250 वोल्ट का यूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी। अब हम लोग जो तोरण बनाने वाले हैं उसमें कैसे कनेक्शन करना है, कैसे इसमें हम लोग एक एक एलईडी लगाएंगे, तो वो आप देखिए। पहले हम लोग एक एलईडी में कनेक्शन करते हैं, प्लस वाली एलईडी से माइनस में जाते हैं, फिर माइनस से प्लस, जैसे हम लोग चलते हैं ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही चलना है अभी भी। बस इसके अंदर ये फंडा है कि आपको पहले एक लगानी है, फिर दो लगानी है, फिर तीन लगानी है, फिर उसके बाद में चार लगा लेनी है, फिर पाँच लगा लेनी है, फिर पाँच के बाद आपको घटाना है। तो हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं एक ट्राइंगल में 25 एलईडी, तो आप कुल मिला करके आप लेना है हम लोगों को 50 एलईडी शुरू में। इसके आगे भी हम लोग बना सकते हैं, इससे बड़ी तोरण भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी 50 एलईडी का सर्किट डायग्राम देखने वाले हैं, और आने वाले वीडियो में आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसका। अभी हम लोग सर्किट डायग्राम समझ रहे हैं, आगे प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं वायर एलईडी वगैरह से। मैं आपको सबको बना के दिखाऊंगा। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एक लिया, फिर दो लिया, फिर तीन एलईडी लिया, फिर चार एलईडी लिया, फिर पाँच लिया, पाँच के बाद फिर चार लिया, फिर तीन ले रहे हैं, अब फिर दो ले लेंगे, दो लेने के बाद अब इसके बाद एक एलईडी लेंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायंगल शेप जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं, तो ट्रायंगल क्या शेप से थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ हम लोगों ने एक एलईडी, फिर दो एलईडी काउंट करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको मैं कि कितनी कितनी एलईडी हो रही है, पाँच एलईडी, फिर चार एलईडी, फिर तीन एलईडी, फिर दो एलईडी, फिर एक एलईडी, इस प्रकार से आप गिनेंगे इसको, तो इसकी नौ लाइनें बनेंगी, नौ लाइनें बनेंगी, और पूरा मिलाकर के जो एलईडी आएगी वो 25 एलईडी आएगी। मैं काउंट भी करके आपको दिखा देता हूँ एक एक चीज़, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल आराम से देखिए वीडियो, एक बार में समझ में नहीं आता कई बार देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी तो है, क्योंकि पुराने जो वीडियो आपने देखे थे वो थोड़े सरल थे, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, कई बार गलतियाँ होंगी, उससे मत घबराइए। आप बनाइए, बहुत बार इसको ट्राई करेंगे तो बनेगा ये, और कोई भी सीरीज़ को बना सकता है, कोई भी तोरण को बना सकता है, ये ना सोचे कि ये मेरे को बनाना नहीं आएगा, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ कैसे बनाना है उसको। आप बस इत्मीनान से पूरा बेनिफिशियल, पूरा बेनिफिट दीजिए अपना, जिससे आप इसको आसानी से सीख सकें। अब मैं इसके बाद में एक और दे रहा हूँ, क्योंकि हमें 50 एलईडी का बनाना है, तो 25 एलईडी का ट्रायंगल हम लोग बना चुके थे, अब हम लोग अगला वाला ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन हम इसे पूरा बना के नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम लोग एक बार बना के दिखा चुके हैं, वैसे ही बनाना है, कुछ अलग नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये पूरा बना के नहीं दिखा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं एक एक चीज़ बताने लग जाऊँगा, तो इतना आपको मैंने बताया वो आप आसानी से समझ भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको सीरीज़ बने, पुरानी सीरीज़ आपने जो बनाना सीखी थी 50 एलईडी, 40 एलईडी, 100 एलईडी, 200 एलईडी वाली, वैसे ही ये भी बनाना है, कोई खास अंतर नहीं है। तोरण नाम सुन करके अपने को घबराना नहीं है,
इसमें भी हम लोग देखिए इस ट्राइंगल में भी आपको 25 एलईडी हो जाएगी, तो टोटल मिलाकर के 50 एलईडी हो जाएगी, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस जैसा लगाते थे वैसे ही लगाना। यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लगाना दिखाया नहीं है, लेकिन आप रेजिस्टेंस लगाना ना भूले, 2.2 के रेजिस्टेंस लगाना है हाफ वॉट का। अगर मल्टी कलर है तो 3 लगाइए, अगर सिंगल कलर है तो 5 लगाइए या 4 लगाइए, आपकी मर्जी, चलता दोनों में है। वैसे 5 लगाएंगे तो थोड़ा सा हीट कम होता है वो। तो ये देखिए 25 और 25 दोनों मिला करके आपका टोटल एलईडी हो रहा है 50 एलईडी। है क्या तोरण से अलग? जैसा आपने सीरीज बनाना सीखा था, सीरीज और तोरण में कुछ अलग नहीं दिख रहा होगा आपको। 50 एलईडी उसमें भी थी, 50 एलईडी इसमें भी है, सर्किट डायग्राम सेम है, प्लस माइनस में भी चलता है, उसमें भी चलता है, तो कुछ अलग नहीं है। बार बार देखिए वीडियो को, तभी समझ में आएगा ये। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो में जो मैंने समझाया आपको समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाले वीडियो के लिए बिल्कुल वेट कीजिए, तैयार रहिए। आने वाला वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको। धन्यवाद।